हम अपने बेटा को ठंडा करके मुख्यमंत्री का तो दवा हम ठोकते, मगर हमने जनता के बीच में जाके बोला था कि सीट कितनों बढ़ जाएगा, हम नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। और हम चीफ मिनिस्टर बनाया, मगर वो चीफ मिनिस्टर के लायक नहीं ना, वो चीटर चीफ मिनिस्टर है। चीटर है, हाँ, माने चीटिंग करके भाग जाना। गो से गुवार, भू से भूमियार, आ नहीं चला कुर्मी से बिहार, तो काहे दे दिया था मुसहर को बिहार। बिहार में बिल में पानी डालो और चूहा बाहर निकालो। जब एक दलित के बेटा जीतनराम मांझी का नहीं हो सका, तो लालू यादव का क्या ये आदमी होगा? बिहार के लोग भी उब गया इससे। अब इनको प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब हो गया। प्रधानमंत्री का जब कोटा फुल हो जाएगा तो कहेंगे कि राष्ट्रपति बनेंगे, उसके बाद तो कोई चुनाव नहीं होगा देश में। इनको बिहार की जनता निगलेक्ट कर चुका है। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि उनमें काबिलियत है, सब कुछ है प्रधानमंत्री। अरे भैया, उनके बनावटी लोग किए हैं, जो उनके सत्ता काल में जो 18 वर्ष में जो पैसा लूटा है लोग, जो यह ठेकेदारी के माध्यम से हो, या रंगदारी के माध्यम से हो, या छिनतई के माध्यम से हो, या लूट घसोट के माध्यम से हो, या फिरौती का माध्यम से हो, उनके लोग चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। कि अभी हम लोग बिहार लेवल पर लूट रहे हैं, अब देश लेवल पर हम लूटना चाह रहे हैं। विस्तार होगा मतलब जी। तो हमारे लालू जी बोलते हैं कि आस्ते बोलो, न तो नस फट जाएगा। आज देश टूट रहा है, नौजवान टूट रहा है। नौजवानों को रोजगार चाहिए, बहन बेटियों के आबरू का रक्षा चाहिए, तब हमें नीतीश कुमार चाहिए। तो ना बहन बहन बेटी के सुरक्षित है, ना नौजवानों को रोजगार है। अगर पिछले 18 साल में कोई भी सुई का कारखाना इन्होंने खोला, सिर्फ बढ़ावा दिया गरीब को नहीं, उन लोगों को जो गरीब कमाता है, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, उस पर ही हमला करवा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी को भी देखे हैं आमने सामने? अरे आमने सामने हम भगवान न करे कोई ऐसा मनहूस आदमी से भेंट हो। जो आदमी अपने परिवार का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा? लोग तो उनके पास सेल्फी लेने के लिए बेचैन होते। सेल्फी जो बेवकूफ़ होते हैं वही सेल्फी लेता है। हम तो अगर हमारे सामने आए तो हम एक एक रोड पे बैठे हुए एक भिखारी से हम सेल्फी ले लेंगे, मगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सेल्फी अपना तोहीन ही समझते हैं। तोहीन समझते हैं। अच्छा, भाषण तो सुने हमें कभी? अरे भाषण देखिए, 2019 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में इनका मैनिफेस्टो क्या था? अरे भारत के भाइयों, जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, सबको हम 15-15 लाख रुपया खाता में डालूंगा, 2 करोड़ प्रत्येक साल हम रोजगार देंगे। वो रोजगार कहाँ गया? वो 15 लाख रुपया आपके खाते में आया आपके खाते में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके खाते में आया? जब आपके खाता में नहीं आया तो मेरा खाता में क्या आएगा? थोड़ी थोड़ी आपके में आ सकता है। अरे आप मीडिया वाले हैं तो आपको ना खाता में आना चाहिए। हम लोग तो विरोधी पार्टी हैं, तो हम लोग को और खाता रिलीजन नहीं हुआ। हम लोग का खतवे पासपाउंड हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, आप लालू जी के अंदाज में बोलते हैं। देखिए, हम बोलते हैं और बार बार बोलते हैं, गलत को लालू यादव बर्दाश्त नहीं करता। जब ले हम अंदर थे, जब ले हम इलाज में चल रहे थे, और हमको झूठ मूठ के केस करके चार्ज सेटेड करके हम पूरे जेल भेजा गया। आज अगर हम बीजेपी से हाथ मिला लिया, नीतीश कुमार के कहने नियर चले, तो लालू यादव पे कोई केसेज नहीं है क्या? अमित शाह पर केस नहीं है क्या? नीतीश कुमार जी पर केसेस नहीं है? आप YouTube खोल के बोलिए हिंदुस्तान के सबसे बड़ा गुंडा कौन, तो उसमें 2 आदमी का फोटो आएगा। एक का फोटो दाऊद इब्राहिम और दूसरा नरेंद्र मोदी का। चेक किए कभी क्या? चेक करके देख लीजिए। चेक करके देख लीजिए, बिहार के सबसे बड़ा बलात्कार मंत्री कौन, तो नीतीश कुमार का फोटो आएगा। लालू यादव का कहीं फोटो नहीं आएगा। तो लालू यादव गरीब का नेता है।